सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा हो गाइस। तो गाइस आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ, तो आप हमारे वीडियो में बने रहना, वीडियो को मिस मत करना। अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस आज कुछ अलग एडिटिंग होने वाला है न्यूज़पेपर का, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सआर्ट की तरफ और पिक्सआर्ट कर लेते हैं ऑन। पिक्सआर्ट ऑन करने के बाद आपको करना क्या है, पिक्सआर्ट ऑन करने के बाद आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को ऐड कर लेनी है। तो चलते हैं अपनी फाइल में। तो अपने फाइल में जाने के बाद क्या करना है आपको, ये वाली जो बैकग्राउंड है, ये जो ये वाली बैकग्राउंड है मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको करना क्या है, आप सबसे पहले आपको अपनी फोटो को यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने फाइल में, अपने फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो हमारा जो फोटो यहाँ पे पहले से कट किया गया है, ठीक है, अगर आपको कट करने नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताकर कमेंट दे बोल सकते हो कि क्या मुझे फोटो कट करने नहीं आता, उसे वीडियो बना दूँ, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है, तो पहले इसमें हम इस फोटो को सेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट कर देनी है, कुछ भी आप अलग स्टाइल से आप फोटो क्लिक करके आप फोटो एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, फिर से आपको जाना है ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है आपको, ये वाली पीएनजी में दे दूंगा, अब जाकर सारा मैं सारा चीज़ का पीएनजी दे दूंगा लिंक, आ जाकर डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपको ये वाली जो है फेसअप पे आपको यहाँ पे सेट करना है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर देनी है। ठीक है, उसे क्या करना है आपको रेजर पे क्लिक करना है, और ये जो फालतू दिख रहा है आपको साइड से कट कर लेनी है। तो आप यहाँ पर कुछ अलग स्टाइल भी कर सकते हो, आपकी जो भी पोज अच्छी लगे आप वो कर सकते हो। तो हमारे पास तो फोटो नहीं था, बट ये स्टाइल में सोचा चलो इसे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट हुआ है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। ठीक है, तो डन करने के बाद क्या करना है आपको, फिर से ना ऐड फोटो में, और फिर से सेम पीएनजी ऐड कर लेनी है। ये ली पीएनजी मैं फिर से ऐड करूँगा, और क्या करूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा दूँगा, थोड़ी साइज को मैं बड़ा कर लूँगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देनी है। और क्या करना है यहाँ पर ऑपोसिटी को कम करना है, और देखना है सेट करके, ठीक है, कि सही जगह पर सेट हुआ है कि नहीं। आपको करना क्या है, फिर से रेजर पे क्लिक करनी है, और यहाँ से आपको हटा देनी है, और यहाँ से हल्का हल्का पेंट कर देनी है ऐसे ब्रश पे क्लिक करने के बाद। थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं ब्रश का, और यहाँ से हम बॉडी पे ऐसे लगा देते हैं। तो ऐसे आपको कर लेनी है। तो करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको रेजर पे क्लिक करना है, थोड़ा साइड साइड में मार लेते हैं इसको। ये सारा कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से कर लेनी है डन। और डन करने के बाद क्या करना है, ऑपोजिटिव को बढ़ा के देख लेनी है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे करके घुमा देंगे कुछ इस तरीके से, और थोड़ा तो यहाँ पे ऐसे करके घुमा के लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ से कर लेनी है डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको जाना है फिर से ऐड फोटो में, और जो बैकग्राउंड मैंने ऐड किया था वही बैकग्राउंड को मैं लूँगा। तो यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड आ चुका है, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है ब्लेंडिंग मोड में, और यहाँ से करनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ से जो साइज़ को बड़ा कर देनी है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटअप कर देनी है। ठीक है, आपको रेजर पे क्लिक करना है, और इसको हटा देनी है, और ब्रश पे क्लिक करके साइज़ को छोटा छोटा कर लेना है, और यहाँ पे हार्डनेस को बढ़ा लेता हूँ, और सारा जितने बॉडी दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ करके पेंट कर देनी है। तो ऐसे में थोड़ा मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ ताकि यह वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे सारा काम हो चुका है, यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से बॉडी पे सब पे लगा दिया हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कर लेनी है डन। और डन करने के बाद भाई क्या करना है, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस। तो आपको करना है कि बस कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा इसमें कुछ और मेहनत करना है, बाकी सारा काम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आप कलर सेटिंग करेंगे, तो कलर सेटिंग करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पीएनजी है मैं उसको लगा लेता हूँ। तो आपको जाना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद क्या करना है गाइस, अपने फाइल में जानी है, अपने फाइल में आ जाने के बाद आपको ये वाली पीएनजी ले लेनी है। ठीक है, दो दो ऐड करनी है, तो आपको जाना है ब्रांडिंग मोड में, यहाँ से कर लेनी है मल्टीप्ले। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा करके घुमा देनी है, तो थोड़ा साइज को छोटा कर लेता हूँ, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे करके लगा देनी है, और इधर पे क्लिक करना है, और ऐसे करके हटा देनी है फालतू जो फालतू दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे करके हटा देनी है। तो
कुछ इस तरीके से आप आपको यहाँ पे सेट कर देनी है, फिर यहाँ से करनी है डन। और डन करने के बाद क्या करना है, थोड़ा इसको छोटा करेंगे, थोड़ा ऐसे लगा देंगे फिर से, ठीक है। और यहाँ पे ये काम हो गया, अभी सेकंड पार्ट पे क्लिक करेंगे, आपको फिर से ब्राइटिंग मोड में जाना है और यहाँ से मल्टीप्ले कर लेनी है और फिर से आपको इसे घुमा देनी है और ये वाली पार्ट को यहाँ पे ऐसे करके लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको लगा देनी है और यहाँ से कर लेनी है इरेजर पे क्लिक, फालतू यहाँ से कट कर लेनी है। तो कल यहाँ से मार लेता हूँ, तो यहाँ पे अब सारा काम हो चुका है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, सेकंड पार्ट पे क्लिक करना है, थोड़ा मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो यहाँ से सारा काम करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे डन कर लेनी है। डन करने के बाद यहाँ से आपको फिर से फायर PNG है, मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। तो चलते हैं ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में जानी है, फिर से ये लिए 2 PNG ऐड कर लेनी है। तो फिर से जाना आपको ब्रांडिंग मोड में, यहाँ से कर लेनी इसको स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद इसको साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लगा देनी है, ठीक है गाइस। तो ऐसे करके लगा देनी है, फिर सेकंड पार्ट पर जाना है और फिर से ब्रांडिंग मोड स्क्रीन कर लेनी है और ये PNG को यहाँ साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर देनी है और यहाँ से कर लेनी है डन। तो डन करने के बाद जैसे यहाँ पे सारा काम हो चुका है, तो चलते हैं लाइटरूम की तरफ और वहाँ पे कलर सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइटरूम में जाना है और यहाँ पे फोटो को सेव कर लेनी है। तो फोटो को सेव करने के बाद चलते हैं लाइटरूम की तरफ, तो वैसे यहाँ पे अपने फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम में। तो यहाँ पे हमारा जो लाइटरूम है, यहाँ पे अपने फोटो को शेयर कर लिए हैं, चलते हैं लाइटरूम की तरफ। तो लाइटरूम ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोटो एक ऐड हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे फोटो हमारा ऐड हो चुका है, तो वो करने क्या है, लाइट पे क्लिक करना है और थोड़ा हार्डनेस को कम कर देनी है, थोड़ा साइडों को बढ़ा देनी है, वाइट बैलेंस को यहाँ पे कम रखनी है, ब्लैक को थोड़ा कम कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, कैसे आपको जाना है इसी कलर पे, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे टैंप को थोड़ा यहाँ पे कम कर देनी है, थोड़ा कम कर देनी है गाइस। उसके बाद क्या करना है, टेन को आपको यहाँ पे, टेन को कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा देनी है, कम कर देनी है सॉरी। उसके बाद वाइब्रेंस को आपको यहाँ पे थोड़ा कम रखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम कर देनी है। उसके बाद मिक्स पे क्लिक करना है और थोड़ा यहाँ पे यू को थोड़ा बढ़ा देनी है, थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, लुमियंस तो लुमियंस को आपको बढ़ा देनी है। उसके बाद यहाँ पे इस पर ब्लू टोन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा यू को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, लुमियंस तो लुमियंस को आपको बढ़ा देनी है। फिर इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा यू को देख लेते हैं, तो यू को आपको यहाँ पे कम कर देनी है, सैचुरेशन को आपको यहाँ पे, तो सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम कर देनी है, सबको यहाँ पे कम कर देनी है, ठीक है। उसका क्या करना है, आपको यहाँ पे येलो टोन पे क्लिक करना है, येलो टोन पे थोड़ा यहाँ पे यू को थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम कर देनी है, कम करने के बाद थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है। उसके बाद लुमियंस को, तो लुमियंस को आपको बढ़ा देनी है। उसके बाद यहाँ पे आया कलर, तो यहाँ पे फेस स्मूथ फेस कलर करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सैचुरेशन को बढ़ा देनी है, थोड़ा लुमियंस को, तो लुमियंस को हल्का सा मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो गया काम। और क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेते हैं। क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद क्या करना है, आपको वाइब्रेंस को थोड़ा सा, वाइब्रेट को थोड़ा सा कम कर देनी है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेते हैं, शार्पनेस को। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे कलर नॉइस को, यहाँ पे नॉइस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ताकि हमारा जो फेस स्मूथ हो जाए अच्छे तरीके से। उसका कलर नॉइस यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो पहले का फोटो और ये फोटो, तो अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। आप इसको सेव करना है, तो इसको तीन डॉट पे क्लिक करना है और स्लाइड करना है सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फोटो कर लेनी है सेव। तो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना एकदम मत भूलना गाइस। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।